हेलो दोस्तों, वेलकम टू नुपुर्स वर्ल्ड। आज मैं आपको मेथी साग के अलग वेरिएंट के बारे में बताऊंगी, अलग तरीके से बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए हमें चाहिए होंगी मेथी साग, जो मैंने यहाँ धो करके कट करके रख लिए है, बारीक कट करके रखा हुआ। देखिए आपने रफली कट किया है मैंने। चाहिए होगी 2 टेबल स्पून, यहाँ पर मैंने बैंगन ले लिए है जो मैंने कट करके फ्राई करके 2 टेबल स्पून होता है, ठीक है। और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून आलू ले लिया है, फ्राई करने के बाद 1 टेबल स्पून होगा। और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मटर ले लिए है, हाफ टी स्पून यहाँ हल्दी लिए है, और कलौंजी ली है मैंने, हाफ टी स्पून लिए है, और नमक स्वाद अनुसार लिए है मैंने। और चाहिए होगी हमें एक सूखी मिर्च, 2 हरी मिर्चें और 2 कलियां लहसुन की, और तेल चाहिए होंगे हमें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं और उसमें एक पैन चढ़ा देते हैं। ये हमने एक पैन चढ़ा दिया है, और पैन गर्म होते ही हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। पैन गर्म हो गया है, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है, और इसके बाद डाल देंगे। हम इसमें जो लहसुन की 2 कलियां मैंने ले ली थी, इसको मैंने यहाँ जस्ट इसको मैंने टैप कर लिया है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा निकल गया है, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। साथ ही हम ये 2 हरी मिर्चें भी डाल देंगे। अब हम इसमें जो मैंने मेथी के साग कट करके रखे हुए थे वो हम डाल देंगे। मटर को हम पहले से नहीं भूनेंगे, ये कच्ची मटर है। अब नमक स्वाद अनुसार हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिए हुए हैं, और हल्दी भी हम साथ ही में ऐड कर देंगे। आँच हम धीमी रखेंगे, ये देखिए अब हम इसको मीडियम आँच में रखे हैं। इसको मीडियम आँच में हम थोड़ी देर भून लेंगे। ये देखिए साग अब पक गई है थोड़ी सी। यहाँ साग मैंने लगभग 100 ग्राम ले लिया था। अब हम इसमें जो बैंगन और आलू हमने फ्राई करके रखे हुए थे, ये मैंने हल्दी और एक चुटकी नमक के साथ मैंने फ्राई कर लिया था। बैंगन यहाँ 2 टेबल स्पून है, तो हम इसे यहाँ ऐड कर देंगे। और साथ ही में ये जो आलू हमने रखे थे फ्राई करके, इसको भी हमने थोड़ा सा नमक, मतलब एक चुटकी नमक और जस्ट थोड़ा सा ही हल्दी मैंने यहाँ पर डालकर इसको फ्राई किया था, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। बस ये तो पहले से भुनी हुई थी, साग भी हमारा पक गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ढककर रखेंगे, थोड़ी देर के लिए ढककर रखेंगे। ये मैंने थोड़ी देर ढककर रख दिया है। इसको हम लगभग धीमी आंच में एकदम सिम कर दिया है मैंने, देखिए एकदम सिम करके इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, ये देखिए ये पूरी तरह से पक चुकी है। ये जैसे खुला खुला है, साग को हमें
थोड़ा सा बाइंड होना जरूरी होता है। ये बैंगन इस वजह से हमने दिया है, तो बैंगन को हम थोड़ा टैप कर लेंगे। और इसमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट जो हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हैं इसको बाइंड करने के लिए, 1 टीस्पून हमने आटा ले लिया है। ये आटा को हम इस तरह से चिरक देंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आटा दिख नहीं रहा है लेकिन ये साग बिल्कुल ही बाइंड हो चुका है। अब हम इसे रोटी के साथ या चावल के साथ भी हम खा सकते हैं। अब हम इसको पैकिंग कर लेते हैं। ये हम यहाँ पर एक चिली के साथ पैकिंग कर, ये हो गया हमारा मेथी की साग। और इसको एंजॉय कीजिए और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।